नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 9 विषय हिंदी। आज आपणे काव्य सार जोशु। काव्यनुं नाम छे सूरदास के कोण। कवि कोण है? सूरदास। कवि कोण है? सूरदास। शब्दार्थ देखते हैं, अनंत। अनंत अर्थ है अन्य। कमल नयन, कमल नयन। नयन का अर्थ क्या होता है? नेत्र। कमल के समान नेत्र वाले, कमल के समान नेत्र वाले का अर्थ कौन है? श्री कृष्ण। किसके हैं? श्री कृष्ण। परम, परम का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ। दूरमति, दूरमति मूर्ख। दूरमति का अर्थ क्या है? मूर्ख। करेला, एक करेला पौधा, करेला पौधा, जहरीला पौधा। छरी, छरी का अर्थ क्या है? बकरी। कर, कर का अर्थ क्या है? हाथ। रेणु, रेणु का अर्थ क्या है? तुम। अब काव्य की ओर देखते हैं कि सूरदास के पद में क्या है। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त है। किसके भक्त है? सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त है। श्री कृष्ण की भक्ति से सिवा सूरदास को किसी के भगवान में उनका मन लगता नहीं। अब देखते हैं, मेरा मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़े जहाज को पंछी फिरे जहाज पर आवे। सूरदास कहता है कि मेरा मन अनंत कहां सुख पावे। सूरदास का मन कहीं भी सुख प्राप्त नहीं करता, क्योंकि सूरदास ने अपने मन में श्री कृष्ण के सिवा किसी को ही स्थान दिया नहीं है। इसलिए सूरदास कहता है कि मैं कृष्ण के सिवा मेरे मन में किसी को ही स्थान देता नहीं। जैसे उड़े जहाज को पंछी फिर जहाज पर, जिस प्रकार पंछी जहाज पर से उड़ जाता है फिर कहाँ जाता है, फिर से जहाज पर आ जाता है, इसी प्रकार सूरदास कहता है कि मैं घूम घूम कर आता हूँ, लेकिन मेरा मन कहाँ ही ठहरता नहीं है। मेरे मन में बस श्री कृष्ण के सिवा किसी के भगवान में मेरा मन लगता नहीं है। कमल नयन जो छोड़ महत्ता अद्यो देव पावे। मैं कमल नयन, आपने अर्थ दिखाया है। कमल नयन का अर्थ क्या होता है? कमल के समान नेत्र वाले, वो कौन है? श्री कृष्ण। इसलिए सूरदास कहता है कि मुझे श्री कृष्ण के सिवा किसी को मैं जानता नहीं। परम गंगा को छोड़ प्यासु दुर्मति कुपा पाए। जो गंगा कैसी है? पवित्र नदी है। वो गंगा के पानी छोड़ के क्यों दुर्मति कुपा पाए? मूर्ख। दुर्मति का अर्थ क्या है? मूर्ख। जो गंगा का पानी पीने का छोड़कर दुर्मति मूर्ख क्यों कुएं का पानी पिए? क्योंकि मैं दूसरे भगवान में मेरा मन नहीं लगता कृष्ण के सिवा। इसी प्रकार सूरदास कहता है, जहे मधुकर अंबुज रस चखावे, क्यों करेल फल आवे। जो मधुकर, मधुकर का अर्थ क्या होता है? सुंदर। जो सुंदर मधु का रस जो चख जाता है उसके करेल, करेल का अर्थ क्या आपने बताया है? एक करेला पौधा, करेला फल क्यों खा सकता है? जो व्यक्ति मधुर फल खाने के में पड़ जाता है वो कभी भी करेला फल खाता सुरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कोन निभावे। सुरदास प्रभु किसका भक्त हो गया है? श्री कृष्ण का। इसलिए क्या कहता है कि सुरदास प्रभु कामधेनु, कामधेनु आपकी मन की इच्छा पूरी करने वाला कामधेनु श्री कृष्ण को कहा गया है। वो क्या कहता है? मैं श्री कृष्ण की गाय को दूहने की बजाय में छेरी, छेरी का अर्थ क्या बताया है? बकरी, बकरी कोन निभावे। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर, कर का अर्थ क्या बताया है? हाथ। जिसके नवनीत का अर्थ क्या है? मक्खन। जिसके हाथ में मक्खन हो वो उसका हाथ क्या है? शोभित हो जाता है। छुटनंद चलन रेनो तन मंडित मुख धनी लेप लगाए। जिसके रेनु, रेनु का अर्थ हमने क्या बताया है? धूल। जिसके मुख पर धूल लगा हुआ है वो व्यक्ति मूर्ख है, और जिसके मुख में दधि, दधिया दही लगा हुआ है वो कौन है? श्री कृष्ण भगवान है। चरण कपोल लोल लोचन गोरन तिलक है। जिसके कपोल में लोचन तिलक गोर लगाया है वो कौन है? श्री कृष्ण भगवान है। सूरदास कहता है कि मैं किसका भक्त हूँ? श्री कृष्ण का ही
भक्ता हूँ। श्री कृष्ण की भक्ति से मुझे मेरे मन में शक्ति दी गई है, शांति दी गई है। सुदास दोनों पद में कहता है कि मैं प्रतिदिन प्रतिदिन किसका भक्ति करता हूँ, सुदास श्री कृष्ण की भी भक्ति करता है, इसलिए श्री कृष्ण में ही वो लीन रहता है। सुदास के अपने श्री कृष्ण के बारे में सभी बताया है। बच्चों आप फिर कल देखते हैं, आपका पूर्ण हो जाता है।